उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के लोटन कोतवाली क्षेत्र के हरिवंशपुर चौकी के भुसौला अदारी गांव में एक ऐसी घटना घटित हो गया जो कि पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि बंद कमरे में युवक और युवती बेहोशी की हालत में मिले हैं, जबकि सुनीता 20 वर्षीय का संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक की हालत को नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल भर्ती करा दिया है। बताया जा रहा है कि युवक युवती दोनों प्रेम प्रसंग में थे। एक ही गांव के रहने वाले युवक और युवती आपस में प्रेम करते, जिसके बाद से युवक के घर पर युवक और युवती एक साथ बेहोशी की हालत में मिले हैं। मृतक युवती के परिजनों ने थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं मृतक युवती के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि लड़की दुकान पर सामान लेने गई थी। काफी देर बीत जाने के बाद भी जब वह वापस नहीं आई तो उसकी तलाश की गई और पता करने पर मालूम हुआ कि लड़की युवक के घर पर है। युवक के घर पर जाने पर दरवाजा बंद था। किसी तरह से देखा गया तो दोनों लोग अंदर पड़े थे। दरवाजा तोड़कर युवक और युवती को बाहर निकाला गया। वहीं इस घटना के संदर्भ में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, तब तक परिजन के द्वारा युवती को अस्पताल ले जाया गया था। वहीं मृतक युवती के परिजन के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इंचार्ज और थाना प्रभारी मौके पर आए तो युवती को परिजन अस्पताल लेकर चले गए थे। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई, प्रकरण में तहरीर जो प्राप्त हुई है उसके नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। तहरीर में जिस व्यक्ति उमेश चौरसिया को आरोपित किया गया है उसके द्वारा भी जार खाने की सूचना प्राप्त हुई है तथा वह जिला अस्पताल में उपचाराधीन है। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। सिद्धार्थनगर से जनमत न्यूज़ के लिए धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट।